मेरे को धनबाद में रहते हुए 20-22 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया है, लेकिन ऐसा मतलब जो सीन है ना कभी नहीं देखे थे हम लोग भैया क्या सुने थे कि लगा हुआ है, कहाँ लगा हुआ है भी पता था, झड़िया में लगा हुआ, लेकिन कैसा लगा हुआ है वो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। हाँ ये वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। और अभी हैं हम लोग झरिया में, और झरिया में जो जलता हुआ कोयला है ना वो आपको दिखाते हैं कि कैसे कोयला जल रहा है 100 सालों से। क्या सुना? मोर देन 100 ईयर्स से जल रहा है। तुमने पहले कभी देखा था इस चीज़ को? नहीं, अभी हम देख के हम बेसिकली हम लोग को डर लग रहा है यहाँ पे। हम तो देखो ऐसे माइनिंग के स्टूडेंट है, तो मेरे लिए ये चीज़ आम था, लेकिन ये बेचारा धनबाद में रहता है, कभी ये वाला सीन नहीं देखा जो आपको पीछे दिख रहा होगा। मतलब जमीन में पता है पूरा एकदम लहर उठ चुका है, इतना कोयला जल रहा है, यहाँ तक हीट फील हो रहा है। हाँ, और हीट जो है ना, हमें यहाँ, हम कितनी दूरी पे हैं माइन से, मतलब जो कोयला जल रहा है उससे हम नहीं भी तो 80-90 मीटर दूर होंगे, फिर भी हमें लग रहा है कि हमारे सामने ही कोयला जल रहा है। मतलब और यहाँ पे आसपास घर भी हैं, पता नहीं लोग कैसे रहते हैं भाई हमसे यहाँ, अगर हम आधे घंटे रहेंगे तो हम बेहोश हो जाएंगे, ऐसा वाला फील आ रहा है हमको तो। यहाँ पे डर लग रहा है। नहीं, डरना नहीं है, लेकिन आप दिख रहा होगा कितना डेंजर है, आपको साइड से दिखाते हैं चल के। यहाँ 90% आदमी जो यहाँ रहता है उसको वो कभी नहीं देखा होगा। सही बात है, धनबाद के ना अगर तुम 80-90% लोगों को ले लोगे तो वो लोग इस चीज़ को नहीं देखे होंगे, क्योंकि यहाँ आएंगे नहीं तो देखेंगे कहाँ से। आपको दिख रहा होगा यहाँ पूरा भैया लाइन से है ना पूरा वहाँ। हाँ, ये आपको आगे भी दिख रहा होगा, वहाँ भी फायर है, उधर फायर है, मतलब ये पूरा एरिया फायर एरिया है। और यहाँ पे काम बंद हो चुका है, यहाँ माइनिंग का काम अब नहीं होता है, और ये फायर को बस्ती के लोगों से अलग करने के लिए बीच में ट्रेंच कटिंग किया हुआ है। आप देख रहे हैं इधर आपको बस्ती दिखेगी, और इधर बीच में गड्ढा खोल के इधर देखिए ना जहाँ पे यहाँ ट्रेंच काट के, और आग इधर नहीं जाए, लेकिन फिर भी देखो वहाँ पे आग चला ही गया है। क्या देखने, धुआं निकल रहा है जमीन से। हाँ, जमीन से धुआं भी निकल रहा है यहाँ पे, अगर आपको दिख रहा होगा निकल रहा है धुआं। भाई कितना लाइफ यहाँ पे, यहाँ आसपास के लोग कैसे रहते होंगे यार? भैया पूरा समझ रहे हैं, मतलब हमको लग रहा है कहीं कुछ हो नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे धुआं निकल रहा है, और हम जहाँ यहाँ ओह हर जगह हम जहाँ खड़े हैं, हम ये भी नहीं कह सकते कि हम सेफ जगह पे हैं कि नहीं। मतलब यार तुम, कुछ साल पहले इंदिरा चौक के पास वो हुआ था इंसिडेंट, लैंडस्लाइड वाला। लैंडस्लाइड नहीं, मतलब वहाँ पे गोफ बन गया था अचानक से। अच्छा, तो हाँ। हम ऐसा वाला जो सीन है ना कभी नहीं देखे थे। हम लोग भैया क्या सुने थे कि लगा हुआ है, कहाँ लगा हुआ है भी पता था, झड़िया में लगा हुआ, लेकिन कैसा लगा हुआ है वो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। ये चीज़ मतलब मेरे को बहुत पहले से पता था कि भाई झड़िया 100 सालों से जल रही है, लेकिन वाकई जल रही है यार। और ये तो अभी गनीमत है कि ट्रेंच कट करके इसको अलग कर दिया गया है बस्ती को। ट्रेंच करने के बाद जो अलग किया गया उसके बाद भी आग जो है वही साइड आ चुका है। हम बताए थे कैसा सीन लग रहा है, सबके घर में हवन होता हो। हाँ, लास्ट में जो लॉ उठ रहा है। अंकल हम लोग आगे जा सकते हैं थोड़ा और? हाँ, ज्यादा आगे चले जाएंगे तो बहुत आगे चले जाएंगे। नहीं, उससे थोड़ा कम आगे जाना, इधर वाला धुआं हट गया ना। लोकेशन तो मत खराब। अरे यहाँ पे जो धुआं है ना वहाँ कोई होल से निकल रहा है, देखिए। ये होल हो चुका है जमीन में, और हम लोग इतना रिस्क लेके आए हैं भाई, प्लीज वीडियो को सपोर्ट करना। पहला वीडियो, ऐसा वीडियो आया ही नहीं आज तक, तो भैया नहीं करना। आप बताइए, हम लोग नहीं बता सकते, मतलब मौत को एकदम हाथ में लेके आए यहाँ पे। सही बात है, तो भी कुछ हो सकता है भाई। तुम लोग कभी गूगल पे सर्च करना यहाँ की न्यूज के बारे में, बहुत डेंजर एरिया है ये। हम लोग हो सकता है ब्लॉग बनाते बनाते अंदर चले जाए। नहीं भाई ऐसा कुछ मत बोलो। इधर आगे शहर है, और इधर वो भी हटाया था ना पाताल लोक, ऐसा लग रहा है इधर जो बचा हुआ कोला, जो यहाँ आसपास जो बस्ती के लोग रहते हैं ये लोग पता नहीं कैसे सरवाइव करते हैं। यहाँ पे जो गैस निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड, वो कितनी डेंजरस है, कितनी हार्मफुल है, वो अलग बात है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का जो परसेंटेज है वो कम है, लेकिन इसका जो एक्सपोज़र है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इन लोगों पे काफ़ी उसका इम्पैक्ट पड़ता होगा। एक पतला सा रास्ता है यहाँ से, बस्ती के लोग गुजरते रहते हैं, लेकिन
अगर आपको मैं पास से दिखाऊंगा तो वहाँ भी ज़मीन फटी हुई है, उधर से भी आपको धुआं दिखाई देगा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ये आग यहीं लगी हुई है, ये आग पूरी आगे तक लगी हुई है, मतलब ये पूरा एरिया जो है वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है और लोग मजबूर हैं यहाँ रहने के लिए, इनके पास कोई दूसरी जगह नहीं है रहने के लिए। जो घास तक है ना वहाँ तक इतनी जाएगा।